हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल ए फॉर एवर पर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली में घूमने के 7 हिडन प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, दिल्ली शहर ऐतिहासिक धरोहर का शहर है। पूरी दुनिया भर में मशहूर दिल्ली शहर में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। आप इस शहर के रहने वाले हों या नहीं हों, काफ़ी कम लोगों ने ही दिल्ली के सभी ऐतिहासिक स्थानों की सैर की होगी। खास बात तो ये है कि मूल रूप से दिल्ली के होते हुए भी आप इन 7 ऐतिहासिक स्थानों के विषय में नहीं जानते होंगे। अगर आप भी उन्हीं लोगों में आते हैं जिन्हें सिर्फ इंडिया गेट या लाल किले के बारे में ही पता है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम दिल्ली की कुछ छुपी हुई जगहों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीकेंड समय निकाल कर घूम लीजिए इन सभी हिडन प्लेसेस को। सो दोस्तों, इन प्लेसेस के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं इन 7 हिडन प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में आता है किला राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए इस किले को किला राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। मेहरौली के पास बने इस किले को 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा भी देखी जा सकती है। किले के हालात देखते हुए इसे हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगर बात करें दोस्तों हाउ टू विजिट की, सो निकटतम मेट्रो स्टेशन मालवीय नगर रहेगा। वहां से केवल 400 मीटर की दूरी पर किला राय पिथौरा कॉम्प्लेक्स है। आप यहाँ पैदल जा सकते हैं। किले की दूसरी दीवार के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन है साकेत। साकेत मेट्रो स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर किला राय पिथौरा की दीवार है। दोस्तों, बात करें यहाँ के एंट्री टिकट की, एंट्री टिकट यहाँ पर फ्री रहती है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें किले की टाइमिंग की, तो यह 7 डेज 7 AM to 9 PM ओपन रहता है। दोस्तों, सेकंड नंबर पर हमारी लिस्ट में आता है नेशनल रेल म्यूजियम। पुरानी रेलों को विरासत के तौर पर यहाँ रखा गया है, जिसमें कुछ टोयो ट्रेन भी शामिल है। इसमें डीजल इंजन व स्ट्रीम इंजन से चलने वाली रेल भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहां आपको शाही रेल की सैर के साथ ही साथ रेस्टोरेंट में अच्छा भोजन भी मिल जाएगा, और हाँ, तस्वीरें खींचने तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इनमें से कुछ रेलों की राइड आपको रोमांचक कर देगी। बच्चों के लिए यह स्थान सबसे उचित रहेगा। दोस्तों, यहीं अगर बात करें हाउ टू विजिट की, सो नेशनल रेल म्यूजियम के सबसे नज़दीक पिंक लाइन सर विशेषरैया मोतीबाग मेट्रो स्टेशन है। यहां से रेल म्यूजियम की दूरी मात्र 1.7 किलोमीटर है। येलो लाइन स्थित जोरबाग मेट्रो स्टेशन उतरकर भी ऑटो या ई रिक्शा से रेल म्यूजियम पहुंचा जा सकता है। वहीं बात करें यहाँ के एंट्री टिकट की, तो एंट्री के लिए टिकट वीकडेज में एडल्ट के लिए 50 रुपीज और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 10 रुपीज रहता है। दोस्तों, वहीं अगर एंट्री टिकट की बात करें वीकेंड और सरकारी अवकाश के दिन की, सो एडल्ट के लिए 100 रुपीज रहता है और 3 to 12 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए 20 रुपीज रहता है। बात करें दोस्तों यहाँ के टाइमिंग की, सो राष्ट्रीय रेल म्यूजियम ट्यूजडे टू संडे 10 AM to 5 PM तक खुला रहता है। दोस्तों, म्यूजियम में प्रवेश का अंतिम समय इवनिंग में 4:30 PM तक रहता है। मंडे को म्यूजियम क्लोज रहता है। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में आता है रजिया अल दीन मकबरा। दिल्ली की पहली बहादुर महिला शासक रजिया बेगम सुल्तान का मकबरा दिल्ली में एक रहस्य की तरह है। तुर्कमान गेट के पास स्थित रजिया सुल्तान की कब्र गुमनाम चीजों की तरह है। यहाँ देश विदेश से सैलानी संकरी गलियों से होते हुए वीर महिला के मकबरे के दीदार करने के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था। सन 1240 में ही हरियाणा के कैथल में बहराम शाह से युद्ध करते हुए रजिया सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो गई थी। पुरातत्व, इतिहास, धरोहर, पर्यटक, हर लिहाज से यह मकबरा अपनी अच्छी खासी अहमियत रखता है, लेकिन बदहाली में अब ये ऊंचे मकानों के बीच कहीं खो गया है। ऐसा माना जाता है कि रजिया सुल्तान को उनके पति अल्तुनिया की सेना ने बगावत कर उन्हें यहीं मार गिराया था, जिसके बाद उन्हें यहीं दफना दिया गया। दोस्तों, बात करें हाउ टू विजिट की, सो यहाँ पहुँचने के लिए नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पास में है। मेट्रो स्टेशन के बाद पैदल ही चलकर आप यहां तक पहुंच सकते हैं।
अगर बात करें यहाँ के एंट्री टिकट की, सो एंट्री टिकट यहाँ पे फ्री रहता है, और बात करें यहाँ के टाइमिंग की, सो यह 7 डेज ओपन रहता है। दोस्तों नंबर 4 पर हमारी लिस्ट में आता है इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली के अहम स्मारकों में से एक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश का यह मकबरा कुतुब मीनार में ही स्थित है। यह मीनार के उत्तर पश्चिम में है। कुतुब मीनार स्थित प्राचीन दिल्ली की यह कब्र सादगी और वास्तुकला के लिए जानी जाती है। काफी लोगों को इसके बारे में इसलिए भी पता नहीं है क्योंकि कुछ साल पहले ही इसे पर्यटकों के लिए खोला गया है। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो यहाँ जाकर अच्छा लगेगा। बाहर से मामूली दिखने वाले यह मकबरा अंदर से बेहद ही सुंदर है। इसकी दीवारों और दरवाजों पर शानदार नक्काशी की गई है। इस नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और हीरा शामिल है। इस स्मारक की दीवारों पर अरबी पेंटर्स में शिलालेख है। दोस्तों यहीं अगर बात करें हाउ टू विजिट की, सो यहां पहुंचने के लिए कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पास है। येलो लाइन स्थित कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से उतर कर भी कुतुब मीनार परिसर तक जाया जा सकता है। दोस्तों यहीं अगर बात करें एंट्री टिकट की, सो 35 रुपीज फॉर अ इंडियन पर्सन और 550 रुपीज फॉर अ फॉरनर पर्सन यहाँ की एंट्री टिकट रहती है। बात करें ओपन टू क्लोज टाइमिंग की, सो यह 7 दिन 7 AM to 5 PM ओपन रहता है। सो दोस्तों नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आती है अगरसेन की बावली, जिसे गंधक की बावली भी कहा जाता है। कर्नाट प्लेस की ऊंची इमारतों और हलचल के बीच स्थित अगरसेन की बावली के बारे में बहुत कम लोग को पता है। यह ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास है। इसकी आकर्षण वास्तुकला 14वीं शताब्दी की है। इस बावली का निर्माण पानी को संरक्षित करने और यात्रियों के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में किया गया था। अगर आप दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कुछ पल शांति के साथ बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों दिल्ली के व्यापारिक टावरों और आवासीय अपार्टमेंटों के बीच स्थित यह स्थान फोटोग्राफी प्रेमियों और कपल्स के लिए एक शानदार जगह है। यह बावली दिल्ली का लोकप्रिय पर्यटक स्थल होने के साथ साथ अपनी प्रेतवादिक गतिविधियों के कारण भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस वजह से इसकी गिनती दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ स्थानीय लोगों और पर्यटकों की काफी भीड़ देखी जाती है। और दोस्तों आमिर खान की फिल्म पीके की शूटिंग के बाद यह जगह और भी लोकप्रिय हो गई है। बात करें हाउ टू विजिट की, सो अगरसेन की बावली का निकटतम मेट्रो स्टेशन राजीव चौक रहेगा। बात करें एंट्री टिकट की, सो एंट्री टिकट फ्री रहती है। और ओपन क्लोज टाइमिंग की बात करें तो यह 7 दिन 9 AM to 5:30 PM तक खुला रहता है। दोस्तों नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में आती है मिर्जा गालिब की हवेली। आपको चाहे कविताएं सुनना पसंद हो या ना हो, लेकिन आपने मुगल साम्राज्य के महान कवि मिर्जा गालिब और उर्दू और फारसी में उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में जरूर सुना होगा। हालांकि पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में मौजूद उनकी हवेली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन चांदनी चौक में 150 साल पुरानी इस हवेली को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, जो गालिब के काव्य दिनों और अपने समय के पुराने विश्व के आकर्षण को दर्शाता है। कविता के प्रेमियों, इतिहास के शौकीनों और गालिब के प्रशंसकों के लिए इस स्मारक हवेली में घूमना किसी खजाने को पा लेना जैसा है। दोस्तों यहीं अगर बात करें हाउ टू विजिट की, सो चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से मिर्जा गालिब की हवेली की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। यहां उतरकर हवेली आसानी से पहुंचा जा सकता है। चांदनी चौक से भी आप रिक्शा या ऑटो लेकर हवेली तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों बात करें यहां के एंट्री टिकट की, सो एंट्री टिकट निःशुल्क रहता है। और बात करें यहाँ के टाइमिंग की, सो ट्यूसडे टू संडे 11 AM से लेकर 6 PM तक हवेली खुली रहती है। मंडे को यह क्लोज रहती है। सो दोस्तों नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में आता है संजयवन। संजयवन हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली के इस जंगल में भूतों का राज है। यह हरियाली और घने जंगलों का एक विशाल क्षेत्र है। दोस्तों संजय वन शहर के लोकप्रिय उद्यानों की भीड़ से दूर प्राकृतिक प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए एक आदर्श जगह है। आप यहां पर कई तरह की पक्षियों की प्रजातियों को देख सकते हैं। दोस्तों 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले संजय वन में कई सूफी संतों की कब्रें हैं और यहां पर शाम के बाद लोग जाने से बचते हैं।
शाम के बाद इस जंगल में भयानक सन्नाटा होता है जो आपको अंदर तक हिला सकता है। दोस्तों बात करें हाउ टू विजिट की, सो होस खास मेट्रो स्टेशन से संजय वन पहुंचा जा सकता है। बात करें यहाँ के एंट्री टिकट की, सो एंट्री टिकट दोस्तों फ्री रहता है। और बात करें यहाँ के टाइमिंग की, सो यह 7 days 6 AM to 8 PM खुला रहता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 हिडन प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।